हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे इस चैनल में जिसका नाम है वे ऑफ फ्री स्टाइलिंग। तो अगर आप लोग मेरे इस चैनल पे नए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं अपने इस चैनल में आप लोगों के साथ अपनी शॉपिंग फैशन की वीडियोस जो है वो शेयर करती हूँ। तो आज की मेरी जो वीडियो है वो होने वाली है एक विंटर हॉल पे। जी हाँ, अभी सर्दियाँ आ गई हैं, ठंड शुरू हो गई है, तो क्यों ना आप लोगों के साथ एक विंटर हॉल पेश किया जाए। तो मैंने कुछ आइटम्स पिक किए हैं जो कि विंटर में, ज़्यादा विंटर में नहीं लेकिन ज़्यादा सर्दी में नहीं लेकिन हल्की फुल्की जो सर्दी होती है उसमें पहने जा सकते हैं। आई एम श्योर जब तक मेरा ये व्लॉग आएगा, ये वीडियो आएगी, तब तक तो बहुत ठंड होगी होगी, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर करना चाहती हूँ। तो चलिए सबसे पहले आज की जो वीडियो है वो हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक डेनिम जैकेट। जी हाँ, जो कि इस तरह है, आप ऐसे देख सकते हैं। ये एक डेनिम जैकेट है जो कि लाइट ब्लू कलर में है। इसमें आपको यहाँ पे ऐसे पॉकेट्स मिल जाएंगे। ये मैंने मीशो से लिया था और प्राइस मैं आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी। ये बहुत ही खूबसूरत है और मैंने इसके साथ अपनी कैसे लुक बनाई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और पहनने पे ये बहुत ही अच्छी लग रही थी, लेकिन हाँ, ये ज़्यादा ठंड तो नहीं रोक सकती, लेकिन सर्दी में स्टाइल करने के लिए ये डेनिम गुड आइडिया है, सो हाईली रेकमेंडेड। तो सेकंड जो मैंने चीज़ ली है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। जो मैंने सेकंड चीज़ ली है वो मैंने एक हुडी ली है जो कि इस तरह है। मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से आपको एक बहुत ही क्यूट से प्रिंट की हुडी मिल जाएगी जिसमें ऐसे ही एक पैटर्न है। ये इसके पीछे अगर आपको ज़्यादा ठंड लग रही है तो आप अपना कैप भी ले सकते हैं। ये बेबी पिंक कलर की है। इसमें आपको और भी बहुत सारे कलर मिल जाएंगे। एक में आपको पीच कलर मिल जाएगा और नेवी कलर भी है, वाइट कलर में भी ये अवेलेबल है, लेकिन मुझे पीच कलर में चाहिए थी। ये पीच कलर मुझे मिला नहीं, इसके लिए फिर मैंने ये अपनी पिंक कलर में हुडी की जो कि बहुत अच्छी लग रही थी पहनने के बाद। इसमें आपको ये ऐसे एक क्यूट सा पैटर्न मिल जाएगा जो कि बहुत ही, मतलब क्यूट क्यूट फीलिंग देता है, ठीक है। तो ये भी हाईली रेकमेंडेड है। थर्ड जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ वो मैंने लिया है, एक मेरा टॉप है, ये कुछ इस तरह से है। इसमें आपको फुल स्लीव मिल जाएगी। ये जो फैब्रिक है इसका वो पॉलिएस्टर है। पॉलिएस्टर ऑब्वियसली गर्मियों में तो नहीं पहना जा सकता, लेकिन हाँ, अगर हल्की फुल्की सर्दी जब स्टार्ट होती है, जैसे कि नवंबर से हल्की फुल्की सर्दी जो स्टार्ट होने लगती है, उसमें आप ये पहन सकते हैं। और इसका जो, मतलब इसका जो नेक है वो भी मोक नेक है और ये फुल स्लीव में आपको मिल जाएगा। और इसमें आपको ठंड नहीं लगने वाली, कहीं से भी हवा, ठंडी हवा नहीं लगने वाली, ब्रीदेबल मतलब नहीं है। आप इसका मटेरियल चेक कर सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। ऐसे इसका मटेरियल है जो ये, मैंने साइज़ लिया था एस और ये मैंने लिया था एली लंडन ब्रांड से, जो कि मैंने ये अमेज़ॉन से परचेज़ किया था। अगर आप लोग परचेज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज, इसके बाद मैंने लिया था एक और टॉप जो कि विंटर टॉप ही है, तो मैं वो आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। ये मैंने ब्लैक में लिया था, ब्लैक कलर में है ये टॉप। इसका जो नेक है वो भी, मतलब हाई नेक बोलो या मोक नेक बोलो, और इसमें आपको यहाँ पे थोड़ा सा ये जो डिज़ाइन है वो मिल जाएगा। और इसके पीछे आपको ऐसे बटन्स मिल जाएंगे। और ये मैंने लिया था ब्रांड कसौली से और साइज़ मैंने लिया था एस। ये मैंने मिंत्रा से परचेज़ किया था। और ये जो जितने भी मैंने ये आइटम्स विंटर हॉल में आपको दिखा रही हूँ, ये सब मैंने अलग अलग वेबसाइट से लिए हुए हैं। तो ये एक मिक्स हॉल है, मिक्स विंटर हॉल है। तो इस टॉप में आपको फुल स्लीव मिल जाएंगी और ये मटेरियल जो है ये भी पॉलिएस्टर मटेरियल है जो कि सिर्फ
और विंटर में पहना जाता है। मैं आपको मटेरियल दिखा दूँ, शायद आप देख सकते होंगे, देख ही सकते होंगे। तो ये नीचे से आप, ये ना एक पैपलम टॉप है, आप देख रहे, आपको दिखेगा यहाँ से, ये एक पैपलम टॉप है जिसमें ऐसे नीचे एक पैपलम टॉप टॉप जैसा है। इनफैक्ट जिनके टमी होता है तो वो, उन लोगों को पैपलम टॉप ट्राई करने चाहिए। तो ये टमी छुपाने के लिए भी एक्चुअली बहुत अच्छे हैं, और ये बहुत ही मतलब अफोर्डेबल टॉप है। और इसमें भी गाइस आपको ठंड नहीं लगने वाली, और ये पहनने पे इतनी कूल मतलब रिच लुक देता है ना, तो मतलब बहुत ही, आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करना। मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसमें आपको 2 से 3 कलर मिल जाएंगे। आई थिंक ये एक रेड कलर में है और एक येलो मस्टर्ड जो कलर है उसमें है, लेकिन मैंने ये ब्लैक में परचेज़ किया था क्योंकि मुझे ये ब्लैक में बहुत अच्छा लग रहा था। मुझे इसका नेक बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो आप लोग इसे मैंने कैसे स्टाइल किया था वो आप लोग इमेज में देख सकते हैं। वो आइटम है, वो मैंने ली थी एक प्लाजो टाइप, नहीं बॉटम वेयर बोलो, बॉटम वेयर लिया था जो कि इस तरह से है, इस तरह से है। और नीचे ये आपको कुछ ऐसे बेल बॉटम स्टाइल में मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हो बेल बॉटम स्टाइल में मिल जाएगा। इसमें आपको ये एक ऐसे लाइन दी हुई है जो कि बहुत ही अच्छा इल्यूजन क्रिएट करती है। और इसका भी जो मटेरियल है वो है पॉलिएस्टर, जो कि विंटर में पहना जाता है। और ये बहुत ही मतलब इसमें, इसे पहनकर ठंड आपको बिल्कुल भी नहीं लगने वाली, आई एम श्योर। ये मेरा एक्चुअली काफ़ी पुराना है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और सर्दियों में ये पहनने के मतलब लाइक है। तो आगे से ये आपको ऐसा मिल जाएगा, इसे आप स्ट्रेचेबल भी है, ये किसी भी बॉडी शेप पे फिट हो सकता है। और इसका मुझे मटेरियल बहुत अच्छा लगता है जो सर्दियों में पहना जा सकता है। तो इसे मैंने लिया था एम साइज़ में, मैंने ऑर्डर किया था, ये कुछ इस तरह है। और नीचे से बेल बॉटम है जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता था। और ये पहनने के बाद कैसा लगता था ये मैं आप लोगों को अपनी इमेजेस में दिखा दूंगी। तो गाइज ये था मेरा आज का विंटर हॉल, इनफैक्ट मैं कहूँगी मिक्स विंटर हॉल, जिसमें मैंने अलग अलग वेबसाइट से कुछ आइटम्स आपको दिखाने के लिए परचेज की थी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर लीजिएगा, और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और विंटर हॉल देखना चाहते हैं, मिलती हूँ मैं आप लोगों को अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।